friend, I'm Priya. Today I'm taking you a very interesting topic, that is antibiotics, and it's related to medical profession. And ले हम antibiotics खाते हैं, मैं भी जब बीमार होती हूँ तब खाती हूँ, लेकिन हमें ये नहीं पता होता ये इसकी क्या क्वालिटी है. तो आज मैं अपने सर मिस्टर मनोज कुमार शर्मा को इन्वाइट करना चाहूँगी ताकि वो हमें इसकी क्वालिटीज़ बताएँ. सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से हम एक साथ. फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. और एक मैं और अपोलॉजी फील करूँगा आप लोगों के साथ कि जो मैंने अपनी बुक लिखी है MR इंटरव्यू, मैंने उस टॉपिक उन टॉपिक्स के अंदर अपना ये जो एंटीबायोटिक्स वाला टॉपिक है ये नहीं दे पाया. तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उन लोगों से भी जो भी मेरी बुक ले चुके हैं अभी तक और जो लेना चाहते हैं, वो इस लेक्चर को एटलीस्ट अच्छे से देख ले, क्योंकि इंटरव्यूज में आज कई बार मैनेजर साहब से पूछ लेते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह के बारे में. तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए कि एंटीबायोटिक क्या होता है, क्योंकि आजकल हर कंपनी एंटीबायोटिक्स बना रही है, और जैसा कि आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक की डेफिनेशन बड़ी कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं सर, इट इज अ केमिकल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टू अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मीन्स एक तरीके से एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंसेस है सर ये, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के काम आते हैं. मीन्स ये बैक्टीरिया से बनते हैं और बैक्टीरिया को ही मारते हैं. तो हमने नोटिस किया कि अगर हम इस डेफिनेशन को मैनेजर्स वगैरह के सामने डिस्कस करते हैं तो हमारा इंप्रेशन अच्छा जाता है. और आपको मैं एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, कि इसमें एग्जांपल आप पेनिसिलिन से शुरू कर सकते हो, क्योंकि वो एक ओल्डेस्ट एंटीबायोटिक है, ये शायद आपने सुना भी होगा. तो मैं कुछ मटेरियल आपके लिए लेकर आया हूँ, शायद हम सब इस मटेरियल के थ्रू अगर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे. अच्छा, एंटीबायोटिक्स ओरली खाते हैं हम, शायद आपने मेडिसिन खाई होगी कभी, टैबलेट ली होगी, सिरप ली होगी, इवन इंजेक्शन भी लगते हैं इसमें. तो इसमें दो तरीके के इंजेक्शन होते हैं, एक होता है IM, एक होता है IV. जो IM है उसे बोलते हैं इंट्रामस्कुलर, और दूसरा जो इंजेक्शन है वो IV है. तो कई बार शायद आप गिर जाते हैं या फिर आपकी चोट वगैरह लग जाती है, तो मस्कुलर आपके इंजेक्शन लगता है या यहाँ लगता है, और इवन कई बार आपके जो IV लगता है वो मोस्टली यहाँ लगता है, इन वेन्स में लगता है या फिर यहाँ लगता है. तो हम नोटिस करते हैं कि हम जो एंटीबायोटिक्स है वो भी डिफरेंट डिफरेंट मोड से लेते हैं, यानी कि हम ओरली भी उसको खा सकते हैं सिरप या टैबलेट्स के रूप में, या फिर हम उन्हें डायरेक्ट IV IM भी लगवा सकते हैं. अब बात आती है कि जब एंटीबायोटिक के बारे में आप शुरू ही कर रहे हो, तो आप मैनेजर से डिस्कस कीजिए कि सर, आई नो सम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑल्सो. उससे आपकी पर्सनैलिटी पे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, और मैनेजर आपसे बहुत इंप्रेस होंगे इस बात के लिए कि एटलीस्ट दिस पर्सन नोज द एंटीबायोटिक्स. तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ मेटेरियल आप लोगों के लिए देखिए लेकर आया हूँ, और शायद इससे आप इंप्रूव हो जाएंगे काफ़ी कुछ, मगर ये मेटेरियल मैं बड़ा क्रिस्प में बताऊँगा, ताकि जो बच्चा साइंस का ना भी हो, वेदर यू आर इन बीकॉम स्टूडेंट, BSc और डजेंट मैटर, इट डिपेंड्स दैन हाउ मच क्रिएटिव यू आर प्रेजेंटली एंड हाउ मच अटेंटिव यू आर प्रेजेंटली. अगर आप प्रेजेंटली अटेंटिव हो तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा. फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारता है, ये बात याद है, समझ में आ गई है. अब हमें बात आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो देखिए, कुछ पार्ट्स है, अगर आप लिखना चाहें तो कॉपी पेन ले लीजिए, मैं आपको बहुत आराम से लिखवा दूंगा. इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है हमारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे. तो फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स अगेंस्ट विच दे एक्ट, उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट ये एक्ट कर रहा है. तो हम इसे रिपीट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द माइक्रोब्स अगेंस्ट विच दे एक्ट. इसका जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एक्शन. थर्ड जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, और फोर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर्स. हम फर्स्ट पार्ट में फिर से चलते हैं, हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हम टॉपिक कर रहे हैं, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है अकॉर्डिंग टू द माइक्रोब्स अगेंस्ट विच दे एक्ट. इसके अंदर चार पार्ट्स आते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, एग्जाम्पल उसमें लेते हैं एंटीवायरल. तो एंटीवायरल तब कहा जाता है जब कोई चीज़ अगेंस्ट वायरस हो, जब कोई वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है तो हम एंटीवायरल खाते हैं. अच्छा, इसमें और एंटीफंगाई आता है, एंटीफंगल जिसको हम बोलते हैं, तो दैट इज अगेंस्ट फंगाइस. इसके अलावा हमारे पास एंटी प्रोटोजोल्स है, दैट इज अगेंस्ट प्रोटोजोआस. जो फोर्थ है वो है एंटी बैक्टीरियल्स, तो विच इज अगेंस्ट बैक्टीरिया. तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स अगेंस्ट विच दे एक्ट के अंदर फोर पार्ट है, दैट इज एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटी प्रोटोजोल एज वेल एज एंटी बैक्टीरियल. तो अगर आप जोट कर रहे हैं तो मेरे शायद इतनी बार रिपीट कर दिया तो आप इजीली इसको लिख रहे होंगे. हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है स्टूडेंट्स, वो आता है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एक्शन. देखिए, मोड ऑफ एक्शन के ऊपर हम आपको बताना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक दो तरीके से काम करता है प्रिया. एक तो देखिए, वो काम करता है कि वो बैक्टीरिया को इम्पोर्टेंट बना देता है, यानी कि उसको यूजलेस बना देता है, और दूसरे के अंदर वो डायरेक्टली उसको किल कर देता है.
हम जानते हैं किल को साइड बोलते हैं, साइड, जैसे सुसाइड आपने सुना होगा, किसी भी वर्ड के अगर अगर साइड लग जाए तो उसका मतलब होता है उसे मारना, जैसे सुसाइड, और भी बहुत एग्जाम्पल है, रेजिसाइड, जीनोसाइड, देर आर अबंडेंस ऑफ साइड्स, पर मैं आपको यहाँ तक सीमित रखूंगा कि साइड का मतलब होता है किलिंग। तो हमने देखा अगर बैक्टीरियोसाइडल है इसका मतलब ये बैक्टीरिया को फिनिश करता है, बिल्कुल मारता है, और अगर ये बैक्टीरियोस्टैटिक है यानी कि बैक्टीरियो को रोक देता है, उसे इंपॉर्टेंट बनाकर वही यूजलेस बनाकर बॉडी में रहता है वो, मगर वो काम का कुछ नहीं, कोई एक्टिंग एक्शन नहीं होता, इसलिए यूजलेस होता है। अच्छा, इसमें कई बार आपसे एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, वो आपको बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन है ठीक है, पर बैक्टीरियो स्टैटिक है सैडल, तो बैक्टीरियो स्टैटिक का कोई एग्जांपल दीजिए, तो उसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं फ्रेंड्स टेट्रासाइक्लिन। आप बोल सकते हैं सर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वो मैं आपको देना चाहूंगा, दैट इज टेट्रासाइक्लिन। अच्छा, जो साइडल का एग्जांपल है उसमें आप पेनिसिलिन दीजिए एग्जांपल, ओल्डेस्ट है, सबने सुना भी होगा, तो हम बोल सकते हैं सर स्टैटिक के अंदर हम एग्जांपल देते हैं टेट्रासाइक्लिन और साइडल के अंदर हम एग्जांपल देते हैं पेनिसिलिन, तो वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे आपसे मैनेजर। सेकंड जो आपके पास, थर्ड जो आपके पास आता है अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, देखिए स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का अलग अलग है, कई बार स्पेक्ट्रम ब्रॉड भी होता है, कई बार नैरो भी होता है। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है यानी कि बहुत लंबे आगे तक वो अप्रोच करता है, नैरो में वो लिमिटेड करता है अप्रोच। अब देखिए जो नैरो स्पेक्ट्रम है उसमें आप एग्जाम्पल एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, सुना होगा आपने एरिथ्रोमाइसिन, आप दीजिए उसके अंदर नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर, और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आप दे सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन एज वेल एज स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर आप ये दोनों एग्जांपल अगर नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर देते हैं तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो इसमें आप टेट्रासाइक्लिन रखिए, अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखते हैं तो आप टेट्रासाइक्लिन रखिए, अगर आप नैरो स्पेक्ट्रम रखते हैं तो आप एरिथ्रोमाइसिन या स्पेक्ट्रोमाइसिन रखिए। अगर ये दो नेम्स अगर आप लिख रहे हैं तो आप इसको जोड़ जरूर कर लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है यानी कि हमारा जो फोर्थ पार्ट आता है दैट इज केमिकल स्ट्रक्चर्स। देखिए स्ट्रक्चर्स के बेस पे भी हम एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाइड करते हैं, उसमें क्या होता है क्लासिफिकेशन हमारे पास यूनिक है, जैसे इसमें फोर फेज में क्लासिफाइड होता है, जैसे पहला आता है मैक्रोलाइट्स, मैक्रोलाइट्स के अंदर हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन ये लाते हैं, जितने भी माइसिन्स है ये सब हम मैक्रोलाइट्स के अंदर जा सकते हैं, इवन रॉक्सीथ्रोमाइसिन भी हम मैक्रोलाइट्स में डाल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर, हमने पहला पार्ट लिया मैक्रोलाइट, सेकंड पार्ट है होता है क्विनोलॉल्स। क्विनोलॉल्स जो है उसमें नोरफ्लॉक्सेसिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन और ओफ्लॉक्सेसिन, इवन आप जितने भी ओफ्लॉक्सेसिन, फ्लॉक्सेसिन जितने भी है वो सब क्विनोलॉल्स ही है। तो हमने नोरफ्लॉक्सेसिन यूज़ किया वर्ड, हमने यहाँ पर ओफ्लॉक्सेसिन यूज़ किया, हमने यहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सेसिन यूज़ किया, तो ये क्विनोलॉल्स के अंदर आता है। हमारा जो थर्ड पार्ट है दैट इज अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर भी बहुत से एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, अमीकासीन है। तो जेंटामाइसिन आप एक अच्छा एग्जांपल है, इजी भी है, याद रख सकते हैं, अमीकासीन भी एक अच्छा एग्जांपल है, आप इसको याद रखिए। आप बोलिए सर अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर मैं अमीकासीन का एग्जांपल दूंगा, जेंटामाइसिन का दूंगा, तो इट लुक्स गुड। नेक्स्ट जो फेज आता है वो होता है बीटा लैक्टम्स, यानी कि हमने अभी तक केमिकल स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, केमिकल स्ट्रक्चर्स के चार पार्ट हम देख चुके हैं, पहला है मैक्रोलाइट, दूसरा है क्विनोलॉल्स, तीसरा है अमीनोग्लाइकोसाइड, चौथा है बीटा लैक्टम्स। तो बीटा लैक्टम्स के अंदर भी एक अच्छा एग्जांपल आप रख सकते हैं दैट इज पेनिसिलिन, फिर से आप पेनिसिलिन बीटा लैक्टम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो हमने जो क्लासिफिकेशन है उसको हम देखते आ रहे हैं कि वो चार पार्ट्स में है, कौन कौन से पार्ट्स है, फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू माइक्रोब्स अगेंस्ट दिस एक्ट, दूसरा है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एक्शन, थर्ड है अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर, और फोर्थ है अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम, तो बोर्ड है कि नोड है। हमने मैंने आप लोगों को अभी तक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज बताया है, स्टूडेंट्स आप इसको जोट करिएगा, प्रैक्टिस में लाइएगा, तो ऐसा हो जाएगा कि आपको एंटीबायोटिक्स समझ में आ जाएंगे और बहुत इजीली आप एंटीबायोटिक्स को टॉपिक को कवर अप कर सकते हो। अच्छा, एंटीबायोटिक वर्क कैसे करता है, अगर मैं आपको एंटीबायोटिक की वर्किंग के बारे में बताऊं तो बहुत से एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो अलग अलग फेज पे वर्क करते हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स है ऐसे जैसे सिफलोस्पोरिन है, तो ये सेल वॉल को अटैक करते हैं, अगर सेल, अगर देखिए बैक्टीरिया भी एक सेल ही है एक तरीके से। अच्छा, उसके कोई तो सेल को अटैक करेगा, कोई उसके राइबोसोम्स को अटैक करेगा जो कि प्रोटीन बनाता है। हमें अगर सेल की स्टडी करनी है तो नो डाउट मैं सेल का एक अच्छा टॉपिक आपके लिए प्रेजेंट कर दूंगा, सेल टिश्यूज वगैरह का मेरे इंक्वायरी में भी था, किसी कैंडिडेट ने मांगा था, मैं जल्दी उसके लिए प्रिपेयर कर दूंगा, मगर फिलहाल जो हम टॉपिक पर रहें तो कुछ क्या करते हैं हमारे प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि बैक्टीरिया जो प्रोटीन बनाता है उसको रोकने में राइबोसोम्स पर अटैक कर देते हैं, कुछ अलग अलग सेल वॉल पे करते हैं, कुछ सेल वॉल फॉर्मेशन और ऑल दिस थिंग्स, ये डिपेंड करता है वो एंटीबायोटिक किस तरीके, कुछ न्यूक्लियस पे करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह के ऊपर करते हैं, ये अलग अलग डिपेंड करता है। मगर आप इतनी डेप्थ में ना जाइए, आप उन्हें बोलिए सर क्लासिफिकेशन की फोर टाइप्स की, ये क्लासिफिकेशन जो मैं आपको दे चुका हूँ। अब फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो हम एंटीबायोटिक्स बताते हैं तो कई बार मैनेजर आपसे पूछ लेते हैं कि आपने कुछ एक्सपीरियंस है, आपको कुछ एंटीबायोटिक पता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ एंटीबायोटिक्स आपने ब्रेन में फिक्स कर लीजिए। जैसे अगर मैं अगर एक कॉमन सा एग्जांपल लूँ तो सिफिक्सिम आप सबने सुना होगा, शायद आपने खाया भी होगा सिफिक्सिम, मैंने सिफिक्सिम सिरप भी पी थी, इवन व्हेन आई हैव वर्क्ड इन इपका कंपनी, मैंने आपको बताया था मैंने अपने प्रोफेशन को 2001 के अंदर मेडिकल से रिलेटेड ही शुरू किया था, 7 years आई वर्क फॉर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तब हमारे भी सिफिक्सिम आता था ब्रांड, और आप मानेंगे मैं आपको जो ब्रांड्स बताऊंगा शायद वो कॉमन है,
हर आपको स्टेट में मिल जाएंगे। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हमारा लेक्चर देख रहे हैं आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। सिफिक्सिम ब्रांड स्टूडेंट्स जो हैं वो 50 एमजी बच्चों का आता है, 100 एमजी आता है, 200 एमजी आता है, सिरप आता है, टैबलेट्स भी। अब डिपेंड करता है कि उसमें सॉल्ट कौन से, ब्रांड कौन से। तो उसमें मैं कुछ आपको नेम्स दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं मिलते तो आप ये नेम्स और कंपनीज हमेशा अपने ब्रेन में लिखिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आप मैनेजर से डिस्कस कर सकते हैं, सर मैंने कुछ नॉलेज गेन किया एंटीबायोटिक्स के ऊपर, वो ये नॉलेज है कि एंटीबायोटिक डेफिनेशन मैंने कर ली है, एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन मुझे आती है, इवन कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छे से चलते हैं मैंने उनको बहुत अच्छे से कर लिया। तो पहला जो हमारा ब्रांड है वो सेफिक्सिम, उसके अंदर मैं आपको कुछ ब्रांड्स दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। सबसे पहला ब्रांड जो कॉमन है वो जीफी, जेड आई एफ आई, जीफी हमारा एफडीसी का ब्रांड है, दैट इज एफडीसी, यू नो इट्स अ कॉमन कंपनी। सिफोलेक जो कि मैक्लॉइड्स का है, महासेफ जो कि मैनकाइंड का है, टैक्सिम ओ एल्केम का है, इवन ओमनिडास दैट इज निकोलस, नेक्स्ट इज एल्फी दैट इज एल्डर, यू हैव एन हाइफन दैट इज हिट्रो, फॉर्मिक ओ दैट इज एल्डर, एंड टॉप सेफ जो आपने बड़ा कॉमन सुना होगा, टॉप सेफ दैट इज टॉरेंट एंड ओमनिक्स ऑफ सिप्ला। तो मैंने कुछ आपको ब्रांड्स दिए, अगर आप इन ब्रांड्स को कॉमन रजिस्टर में जॉट कर रहे हैं साथ में, तो अगर आप इनमें से तीन ब्रांड भी अच्छे से याद कर लें तो आप अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स है मुझे पता है, जैसे सिफिक्सिम, इसके अंदर ये ब्रांड और ये कंपनीज है। विद कंपनीज याद करना स्टूडेंट्स, ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा और मैनेजर आपसे ज्यादा इंप्रेस होगा। हमारे जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है दैट इज लीवोफ्लॉक्सेसिन, लीवोफ्लॉक्सेसिन के अंदर मैं कहूंगा 250 भी आता है, 500 एमजी भी आता है, इवन 750 भी आता है, अब डिपेंड करता है द सीवियरिटी ऑफ द केस, मगर मेरा ब्रांड बताना आपका काम है विद कंपनीज। तो मैं आपको जो ब्रांड बताने जा रहा हूँ लीवोफ्लॉक्सेसिन के अंदर वो है एल्सिन, बहुत चलता है 500 एमजी, एल्जिन 500 बड़ा कॉमन ब्रांड है, शायद आपने सुना होगा ल्यूपिन का ये ब्रांड। हमारा जो नेक्स्ट है ब्रांड दैट इज लीवोफ्लॉक्स, वो सिप्ला का है, लीवो मैक मैक्लॉइड्स का है, फाइनल मैनकाइंड का आता है, लूफी इपका का आता है, इवन जेंटर दैट इज जुएंटिस। तो ये कुछ ब्रांड्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इनको गो थ्रू हो जाओ, ब्रेन में ले लो या लिख के रख लो, याद कर लो, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपकी पर्सनालिटी पे ड्यूरिंग एन इंटरव्यूज। हम जो नेक्स्ट ब्रांड ले रहे हैं दैट इज सेफपोडॉक्सी, सेफपोडॉक्सी भी एक एंटीबायोटिक है जो कि स्टूडेंट्स 50 सीरप 100 200 एमजीज में अवेलेबल है। मैं कुछ आपको ब्रांड्स फिर से बताना चाहूंगा इसका, इसका जो ब्रांड है जीपोड, जेड आई पी ओ टी, ये एफ डी सी का ब्रांड है, और माइक्रोसेफ दैट इज माइक्रो कंपनी, ओमनासेफ दैट इज निकोलस, जेडोसेफ दैट इज मैक्लॉइड्स। तो ये कुछ ब्रांड्स है, अगर आप इन ब्रांड्स को सेफपोडॉक्सी, मैंने फिर से इस एंटीबायोटिक का नाम लिया है CEFPO सेफपोडॉक्सिम DOXIME, तो अगर आप इस एंटीबायोटिक को भी याद रखें, शायद हो सकता है किसी कंपनी में कल आप काम करें तो आपको अपने कंपटीटर्स यही मिले और आपको इनके ऊपर ही वर्क करना हो, आपको देखना हो कि इस समय एल्सिन कहाँ चल रहा है ज़्यादा और आपका लीवोफ्लॉक्सेसिन आता है, तो ऑब्वियसली आपको ये मालूम होना चाहिए कि एल्सिन कहाँ कहाँ चल रहा है, कौन सा डॉक्टर सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो आपके लिए बेनिफिट होता है, आप जब रिटेलर से बात करते हैं तो रिटेलर ये समझेगा कि आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो और आप ब्रांड्स के बारे में जानते हो, तो आपको ब्लफिंग भी कम करेगा। हमारा जो नेक्स्ट ब्रांड आता है दैट इज ओफ्लॉक्सेसिन, ओफ्लॉक्सेसिन भी 100 200 400 एमजी में अवेलेबल है। हमारे पास जो ब्रांड्स हैं वो मैं आपको रिकॉल करना चाहूंगा, वन इज ओफ्लॉक्स, ये है सिप्ला का ब्रांड, हमारे पास ऑफटेक है जो बायोटेक का ब्रांड है, ऑफलिन है वो कैडिला का है, जेनफ्लॉक्स मैनकाइंड का है, जू एफडीसी का है, ओफास्ट दैट इज स्पेसिफिक, यू हैव ए बेस्टो फ्लॉक्स बेस्टोकैम, ओफ्ला मैक मैक्लॉइड, लॉक्सिन डायनेमिक, ओफ यूरिकेयर, ओफ्लो जॉक्स दैट इज ऑफ ऑर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन वगैरह है, दैट इज स्पेशली इट्स अ लोकल ब्रांड आई बिलीव, देन ऑक्सेल जेनरिक ब्रांड है मेडले का, ऐसे कुछ ब्रांड्स है स्टूडेंट्स। अगर आप इन ब्रांड्स में से अगर चार पांच ब्रांड्स भी अगर याद कर लो, जैसे ऑफलॉक्स, ऑफटेक, ऑफलिन, जेफ्लॉक्स, जेनफ्लॉक्स, ओ जू, ओफ्ला, ओफास्ट, अगर आप ये ब्रांड्स याद कर लो तो शायद ओफ्लॉक्सेसिन के अंदर आपकी कमांड बन जाएगी और आप बता सकते हो मैनेजर को कि सर ये इस कैटेगरी का है, यहाँ से क्लासिफाइड है और ऐसे ऐसे इसको लिया गया, तो आप अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हो। हम दूसरा एंटीबायोटिक लेते हैं दैट इज सिफाड्रॉक्सिल, बड़ा कॉमन एंटीबायोटिक है, ये शायद हमने अपनी लाइफ में खाया भी होगा। सिफाड्रॉक्सिल के अंदर अगर मैं आपको ब्रांड बताऊँ तो ऑडक्सिल, शायद ये अगर मैं इसकी अवेलेबिलिटी बताऊँ आपको तो 125 एमजी अवेलेबल है, 250 अवेलेबल है, 500 एमजी अवेलेबल है, इवन इसकी सिरप्स भी आती है। तो इसमें ऑडक्सिल जो ब्रांड है वो बहुत चलता है, दैट इज ल्यूपिन, जेड्रो एफडीसी, ब्लू ड्रॉक्स ब्लू क्रॉस का है, ड्रॉक्सिल टॉरेंट का है, विपन इंडोको का है, बाइसेफ माइक्रो का है, पीडीरॉक्सिल पीडीपीएल का है, ड्रॉक्सिबिड हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स का, और सिफास्टर दैट इज ऑफ मैनकाइंड। तो मैंने जो आपको ब्रांड्स बताए ये कॉमनली ब्रांड्स हैं, अगर इन ब्रांड्स को भी हम विद कंपनीज अगर मैनेजर के सामने इंप्रेशन डालने के लिए बताएं तो ही विल डेफिनेटली फील यस यू आर इंटेलिजेंट पर्सन यार, और आप जिस कंपनी के लिए जा रहे हो अगर एंटीबायोटिक्स कॉमन है, दो चार एंटीबायोटिक्स अगर आप जानते हो तो अच्छा इंप्रेशन डाल सकते। दैट इज नेक्स्ट हम एंटीबायोटिक चलते हैं दैट इज सेफ्ट्रैक्सोन, सेफ्ट्रैक्सोन काफ़ी पुराना हो चुका है स्टूडेंट्स, अवेलेबल है मार्केट में, खूब बिकता भी है, हॉस्पिटल्स वगैरह में ज़्यादा इसकी सप्लाई रहती है। सेफ्ट्रैक्सोन का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ दैट इज मोनोसेफ,
मोनोसेफेम एरिस्ट्रो, एरिस्ट्रो के अलावा सेफाजोन है, इंटास, मोनोटेक्स आता है बायोकेम का, फाइन सेफ आता है पिरामल हेल्थ केयर का, और एक्स्ट्रा सेफ आता है ब्लू क्रॉस का। मैंने जो आपको ब्रांड्स बताया उसे मोनोसेफ बहुत चलता है, मैंने नोटिस किया है, एरिस्ट्रो का काफी ब्रांड चलता है, सेफाजोन बहुत चलता है, इवन मोनोटेक्स बायोकेम का काफी अवेलेबल जगह पर हमने देखा गया। हम जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। सिप्रोफ्लॉक्सेसिन भी एक कॉमन ब्रांड है, 250-500 एमजी के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर जो ब्रांड्स है उसमें आपको सबसे पहले कॉमन ब्रांड बताऊंगा, वन इज सिप्लॉक्स। सिप्लॉक्स मेडिसिन बड़ी कॉमन है, सिप्ला की है, सिप्रोबिड जाइडस एलिडेट की है, जॉक्सान एफडीसी की है, सिप्रोडेक कैडिला की है, फ्लॉक्सिप निकोलस की है, और माइक्रोफ्लॉक्स माइक्रो कंपनी का। तो हमने नोटिस किया कि हम सिप्रोफ्लॉक्सेसिन के बारे में कुछ कुछ जान गए हैं, एक दो ब्रांड अगर आप याद रखते हैं तो आपको बेनिफिट है। हम एक और ब्रांड पे चलते हैं, एक और सॉल्ट पे चलते हैं, वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन की जो अवेलेबिलिटी है वो सिरप भी है 100 mg, इवन अवेलेबल है 125 टैबलेट्स के अंदर, 250, 500 ये चीज़ें इसकी अवेलेबल हैं, और इवन 1000 mg की भी ये एजिथ्रोमाइसिन आती है, जिसकी डोज डिपेंड करती है कि उसकी सीवियरिटी क्या है। अब हम इसके अंदर कुछ आपको ब्रांड्स बताएंगे, वन इज एजी, सिप्ला का ब्रांड है, बहुत चलता है, जेडी मैनकाइंड का है, एजीविन बाल फार्मा का है, एजी फास्ट इपका का है, एजी बैक भी इपका का है, एजी लॉग लॉगस का है, एजीनिक्स खंडेलवाल कंपनी का है, एंजिलक्स बायोसाइंस का है, एजिथ्रॉल एलम्बिक का है, एजीवोक वोकार्ड का है। तो जो जो मैंने आपको ब्रांड्स बताए हैं, अगर आप कुछ ब्रांड्स लिख लें विद कंपनी, इंटरव्यू के दौरान आपसे मैनेजर पूछ लेते हैं कि हमारे एजिथ्रोमाइसिन आता है क्या, आप कुछ सर्वे करेंगे, आप कहेंगे ऑलरेडी सर मैं काफ़ी कुछ सर्वे करके आया हूँ, आपकी कंपनी के अंदर जो एजिथ्रोमाइसिन आता है वो उसके कंपटीशन के अंदर ये ब्रांड मार्केट के अंदर फिक्स है, मेरा काम है इन कंपटीटर्स के अंदर फाइट करना और अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करना, बस मेरा काम, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ सर, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, एक चांस चाहिए अपने सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज रोजित रॉक्सिथ्रोमाइसिन। रॉक्सिथ्रोमाइसिन स्टूडेंट जो अवेलेबल है वो 50 mg किट, 150, 300 इवन सिरप सारा अवेलेबल। इसमें जो ब्रांड जो सबसे ज्यादा चलता है वो मैं आपको ब्रांड बताऊंगा रॉक्सिड, मैंने काफी जगह पे इसको देखा है, एलम्बिक है, इवन रॉक्सेप्टेन इपका का काफी फेमस ब्रांड है, रॉक्सीमाइसिन बायोसाइंस का है, रॉक्सीजोन बायोटेक का है, रॉक्सी इंडसिफ्ट है, और बायरॉक्स बायोकैम का है। ये ब्रांड्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, इनमें से अगर 2-3 ब्रांड्स भी आपके माइंड के अंदर फिक्स हो जाए तो मेरे शायद मेरी कार्रवाई लगभग पूरी है। गेटी फ्लॉक्सेसिन स्टूडेंट्स आजकल हम जानते हैं अच्छे से नहीं है पॉसिबल, मगर गेटिकाइंड, गेटी क्वीन, गेटरी, इवन जो गेटिकाइंड है मैनकाइंड का था, गेट क्वीन जो सिप्ला का था, मगर आप इस एंटीबायोटिक्स को यूज़ में नहीं ले रहे, आप जो एंटीबायोटिक्स जो यूज़ ले रहे हैं मैंने ऑलमोस्ट आपको बताया है। इसके अलावा भी हमारे लाइफ के अंदर एंटीबायोटिक्स बढ़ते रहते हैं, अगर कोई नई एंटीबायोटिक्स जो जो मैंने माइंड में है अभी उनको मैं एक साथ लेकर आपके लिए फिर से आऊँगा, फिर से आपको इसके बारे में बताऊँगा। स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स मैनेजर को आप सब कुछ अच्छे से बताते हो उसके बावजूद भी प्रिया वो आपको लेते नहीं है, वो आपको सेलेक्ट नहीं करते। रीज़न उनको लगता है यार ये एक बुकवॉर्म पर्सन है, यानी कि ये पर्सन ऐसा है कि ये पर्सन को हम ले ना ले, वो इस तरीके की बातें करते हैं। तो आज जो आपको मैं लास्ट में जो टिप देने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुन लेना, ये टिप शायद आपकी लाइफ बदल दे। फ्रेंड्स क्या है, देखिए मैनेजर आपसे कई बार ये बात पूछ लेता है कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, वो देखना चाहता है उस समय कि आप कितने पर्सन कितने लेवल पे सेटिस्फाइड होते हो। हम कई बार क्या होता है अपने जोश जोश के अंदर बोल देते हैं सर मेरे को 20,000 रुपये चाहिए, सर मेरे को 15,000 चाहिए, मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, सर मेरे को 40,000 रुपये चाहिए, हम बिना सोचे समझे ब्रांड अमाउंट बोल देते हैं। मगर आप शायद एक बात भूल गए हो कि जो मैनेजर है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो एक इसी कंपनी में इंप्लॉय है और आप भी इंप्लॉय हो, फर्क सिर्फ इतना है कि वो बड़ा नौकर है और आप छोटे नौकर हो, उसके हाथ में नहीं है आपको सैलरी देना, ये बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो। फिर आप क्यों अननेसेसरली अपना प्राइस अमाउंट वगैरह बढ़ाकर उस मैनेजर की आंखों में आते हो कि नहीं यार ये जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होगा, ये बहुत जल्दी कंपनी शिफ्ट करेगा। अगर आप एक फ्रेशर हो और अपना करियर फार्मा के अंदर बनाना चाहते हो तो हमेशा अपनी जो अमाउंट है जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसको कम रखो। आप इस समय हो सकता है मेरी बात से डिसएग्री भी हो, मगर मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो फ्रेशर है, हाँ मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, उनके अंदर नेगोशिएशन की पावर भी होनी चाहिए, मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बच्चे बीकॉम बीए है फ्रेशर है और वो कंपनी में जाना चाहते हैं। मैनेजर कई बार आपसे बोल देता है ऐसा कि यार आपको कितनी सैलरी चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी सैलरी बहुत ही कम बताओ, इवन वो कंपनी 15,000 रुपये दे रही है तो भी आप ये बोलो सर 7-8,000 मुझे सफिशिएंट रहेगी, मुझे लगता है सर यहाँ से मैं शुरुआत करूँ अपनी ज़िंदगी की तो मैं इस कंपनी में अच्छा अच्छा काम करके मेरे को लगता है मेरी कंपनी मुझे ग्रो अप कर देगी। तो जब आप कम बोलोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ये बात आप विश्वास कीजिए, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है।
कभी कभी मैनेजर आपको ये इस तरीके की बात राउंड ऑफ वे में भी आपको कहेगा, वो आपको कहेगा यार हमारी कंपनी में तो 18-18 घंटे काम करने पड़ेंगे, तो उस समय आप प्लीज़ ये बात को अवॉइड मत कीजिए। आप उस बात को बोलिए कि सर अगर मेरे को 18 घंटे काम करने का मौका मिल रहा है तो इसका मतलब जरूर है कि मेरे को प्रमोशन के भी चांसेस जल्दी मिलेंगे। अगर मैंने कंपनी के साथ में कंपनी के पेस को पकड़ लिया, कंपनी की स्पीड को पकड़ लिया, तो मुझे लगता है सर शायद आप ही मुझे आने वाले 1-2 साल के अंदर प्रमोट कर दोगे। तो उसको ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। हाँ कभी कभी जब आप बिल्कुल भी नहीं बताते सैलरी, तो कई बार आपको बोल भी देगा यार हम आपको आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए सैलरी, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ठीक है हम आपको 1000 रुपीज पर मंथ देंगे। मेरी रिक्वेस्ट है उस समय भी आप डिप्लोमेटिक गेम खेलिए, आप उन्हें बोलिए कि सर अगर आप मुझे 1000 देते तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं अपने काम के लिए तैयार हूँ। देखिए मैंने आपको फिर से बोला है वो बड़ा नौकर है आप छोटे नौकर हो, ना तो उसके हाथ में पैसे देना है ना और कोई बात है, तो आप क्यों इस बात को मंडे, आप बड़ी आंसर दो ना, आप इसको राउंड ऑफ करो, आप उसको बोलो कि सर आई एम रेडी टू एक्सेप्ट 1000 रुपीज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं 1-2 महीने के अंदर इतना अच्छा काम करके दिखाऊंगा कि आप ही मेरे 1000 रुपये के 10000 रुपये कर दोगे, ये बात मुझे अपने आप पर विश्वास है। उसको बहुत अच्छा फील होगा। इवन इंटरव्यू के अंदर आप ये भी मैनेजर को कह दिया करो कि सर आप मेरी सैलरी बाद में स्टार्ट करना, पहले मुझसे काम करवा के देखो, अगर आप मेरे को मेरा काम आपको अच्छा लगता है उसके बाद ही आप मेरी सैलरी स्टार्ट करना। फिर से बोल रहा हूँ सैलरी उसके हाथ में नहीं है, वो एक बड़ा नौकर है आप छोटे नौकर हो, ये बात अपने दिमाग में फिक्स रखो। सैलरी आपकी उसी दिन स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन आप पहला दिन वर्क करोगे, मगर जब आप मैनेजर को ये बात बोल दोगे, आप उसको एक बात बोल दोगे कि सर मैं काम करने के लिए तैयार हूं, मेरी सैलरी की मुझे फर्क नहीं, सर आप सैलरी बाद में स्टार्ट करना जब आपको मेरा काम अच्छा लगे, तो वो बहुत इंप्रेस होगा, उसको वाकई में लगेगा कि अच्छा वर्कर मैं लेने जा रहा हूं और ये वर्कर शायद मेरे को बेनिफिट, क्योंकि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अगर आप सेल कर रहे हो तो उसकी भी सेल हो रही है, आप अच्छा काम कर रहे हो तो उसको भी बेनिफिट हो रहा है, तो ऑब्वियस है वो एक अच्छा कैंडिडेट चाहता है। और यूनियन बाजी वगैरह की बिल्कुल बात मत करो, आप यूनियन वगैरह का नाम बिल्कुल मत लो, उन्हें बोलो कि सर यूनियन में अगर मेरे को जाना हो तो मेरे को नहीं लगता सर मैं MR से आगे बढ़ पाऊंगा, और मेरा सर सपना है कि जब तक मेरी फैमिली बने जब तक मेरा परिवार बढ़े तो एटलीस्ट मैं मैनेजरियल लेवल पे आऊं, और आप जैसी पोस्ट को देखूं सर आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जैसे इंटेलिजेंट आदमी तक अगर मैं पहुंच गया अपनी जिंदगी के अंदर तो भी मेरे लिए पर्याप्त है, तो उसको अच्छा फीलिंग होगा। बहुत ज़्यादा पंपिंग मत करना क्योंकि वो फिर पकड़ भी लेगा आपको, इस बात का भी ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा भी आपको एपिंग नहीं करनी, पंपिंग नहीं करनी उसकी पर्सनैलिटी की। हाँ उसको थोड़ा सा आप उसके प्रोफेशन की तारीफ कर सकते हैं और बोलिएगा कि सर मैं मैनेजर रीसेंट मैनेजर भी बनना चाहूंगा आपकी तरह, और मैं चाहूंगा सर मैं जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करूं। जब आप इस तरीके की बातें बोलते हैं तो मैनेजर आपसे बहुत खुश होगा। और जो आज हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक, अगर आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में कॉपी पेन लेकर तैयार कर लें तो मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सो प्रिया मैं चाहूंगा कि आप फिनिश अप करिए हमारे फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड हमारा लेक्चर सुनने के लिए, और लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, और हमारे फर्दर लेक्चर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। PD क्लासेस SGNR। थैंक यू टू यू स्टूडेंट्स। थैंक यू।